वहीं हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण की जिद में आने वाले पाखड़ के पेड़ों को ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के समीप से प्रारंभ हो गई है। सबसे पहला काम पेड़ों की प्रूनिंग करने के बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया है और जड़ों के आसपास खुदान करके प्रक्रिया का पहला फेज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पेड़ों को काटने का काम, पेड़ों की लॉपिंग किए जाने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में 13 चौराहों का हमारा सुधारीकरण चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो उसी में कुछ वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित था। तो क्योंकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया गया है, उसमें जो पाकड़ या पीपल या बरगद इस तरह की प्रजाति के जो पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको काटने के बजाय उनको हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। उसके लिए विशेष फंड का व्यवस्था करते हुए फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी हम लोग मंगल पड़ाव और सिंधी के बीच में इस पर हम कार्य शुरू कर चुके हैं और लगभग इसमें 40 के आसपास पेड़ हैं जो यहाँ से ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं।